तो ये कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन, इसमें क्या कहा जा रहा है कि इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री देयर आर अ वैरायटी ऑफ मेथड्स अप्लाई टू फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। और इसमें दे रखा है आइसोमर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, क्या दे रखा है इसको लिख लेते हैं, CO EN होल ट्वाइस H2O Cl2 Br, ये कोई फॉर्मूला हमको दिया हुआ है। अब इसकी प्रॉपर्टीज दे रखी है कि ऑन रिएक्शन विद कंसेंट्रेट H2SO4 इट सफर्स लॉस इन वेट। तो इससे क्या पता चलता है कि जो है इस ऑब्जर्वेशन से कि इसमें क्रिस्टलाइन वाटर होना चाहिए, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन स्पीयर स्क्वायर ब्रैकेट में H2 आ गया तो लिगेंड हो गया, तो फिर तो वो कंसेंट्रेट H2SO4 से एब्जॉर्ब होता नहीं है। एंड ऑन रिएक्शन विद AgNO3 सोल्यूशन इट गिवस अ वाइट प्रेसिपिटेट विच इज सोल्यूबल इन NH3 एक्वस। ओके, तो मतलब Cl को आपको यहां रखना ही पड़ेगा। अच्छा, कोबाल्ट अगर इसमें देखें तो थ्री का है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है इसमें, है ना। कोबाल्ट +2 में जो है 4 एंड 6 दोनों कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, इसमें 6 होता है इन जनरल, तो हम उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड कर लेते हैं। अब यहां 4 ये बाइडेंटेड है इथेन -1, 2- डायमाइन, तो 4 तो ये हो गए। अच्छा, वाटर को तो यहां .H2 में ले जाना है और एक क्लोरीन तो इधर रखना ही पड़ेगा, तो EN होल ट्वाइस मैंने यहां पुट किया। अब क्या बच गया, मतलब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर करने के लिए एक सीएल एक बीआर, तो और कोई अपने पास ऑप्शन है नहीं, उनको अंदर ले जाएं, इनको भी अपन अल्फाबेटिकली लिख सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि क्या ये कंसिडर H2SO4 से वेट लॉस शो करेगा, तो बिल्कुल शो करेगा क्योंकि क्रिस्टलाइन वाटर है यहां पे नहीं है। क्या AgNO3 से AgCl का प्रेसिपिटेट आएगा, बिल्कुल आएगा। और जो है वो ये कह रहे हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट है ना, HeBr होता तो लाइट येलो होता है। और साथ में आगे और इंफॉर्मेशन है केमिकल रिएक्शन की कि विच इज सोल्यूबल इन NH3 एक्वस, तो AgCl अमोनिया में सोल्यूबल होता ही है, वो ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में या NH3H2O में ऐसे, तो ये सोल्यूबल हो जाता है एक क्यों, है ना। तो AgNO3 के साथ AgCl आएगा और वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड से NH3.H2O से ये वाला कॉम्प्लेक्स बनाएगा सॉल्यूबल। अब इसके बारे में क्या पूछा है कि इफ ऑल द लिगेंड्स इन द कोऑर्डिनेशन ऑफ द अबाउ कॉम्प्लेक्स इज रिप्लेस बाय F-, फाइन। ये यहां पे क्या बनाना चाह रहे हैं, CoF6-3, कोबाल्ट +3 अपना आ गया 27। तो WFL हो गए फ्लोराइडो, T2GEG, स्प्लिटिंग कमी होगी तो आपका डेल्टा ओ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, तो आराम से एनर्जी बैरियर क्रॉस करके ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे। इसके बाद पेयरिंग होगी, ये मेरा कैसा सिस्टम हो गया, D6 सिस्टम हो गया। ओके, तो अब पेयरिंग में कर सकता हूं, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, √N(N+2) बोर मैग्नेट्रॉन, मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया। तो इसमें चेक करते हैं 4 पॉइंट जो है वो किसके अंदर वैल्यू है, तो ये वाली वैल्यू यहां पे जो है वो सी ऑप्शन में है, तो यहां पे सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर।